नमस्कार, आप देख रहे हैं राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक घर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते 5 लोग जिंदा जल गए। इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। वे यहाँ मकान में किराए पर रहते थे। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। इस दौरान दमकल विभाग की गाड़ियों को भी आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक केस चल रहा था, तभी अचानक से सिलेंडर फटा और पूरे मकान में आग लग गई, जिसके चलते कमरे के अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके और जिंदा ही जल गए। पुलिस की टीम फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें घर में आग लगने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में हुआ, जहां एक मकान में भीषण आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। विश्वकर्मा क्षेत्र के जसलिया गांव में आग की चपेट में 3 मासूम बच्चों समेत पूरे परिवार की मौत हो गई। सभी मृतक बिहार निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घटना पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में भीषण आग की चपेट में आने से 5 नागरिकों के असामयिक निधन का समाचार हृदय विदारक है। परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। घायलों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। गुरुवार सुबह बच्चे चाय का इंतजार कर रहे थे। माँ जब चाय बना रही थी तो इस दौरान अचानक सिलेंडर में से गैस की पाइप निकल गई और उसने आग पकड़ ली। अपने परिवार को बचाने की कोशिश में परिवार का मुखिया भी जिंदा जल गया। कुछ देर में सभी की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आ रहा है कि आज सवेरे जब बच्चों की मां रूबी बच्चों के लिए चाय और नाश्ता बना रही थी, तो इस दौरान गैस के पाइप से तेजी से गैस लीक होने के बाद पूरे कमरे में आग लग गई। वहीं पर राजेश भी मौजूद था। पहले तो वह घर से बाहर भागा, लेकिन बाद में बच्चों और पत्नी को बचाने के लिए वापस अंदर दौड़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गांव में एक मकान में किराए पर रहने वाले राजेश यादव और उसके परिवार की जान चली गई। राजेश और उसकी पत्नी रूबी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। परिवार में 5 साल का बेटा दिलखुश, 3 साल की बेटी खुशी और 7 साल की बेटी ईशु थी। पूरा परिवार कुछ समय से जैसलिया गाँव में सुरेश शर्मा नाम के व्यक्ति के यहाँ किराए पर रह रहा था। पता चला कि पूरा का पूरा परिवार ही जिंदा चल गया। तीनों बच्चों के शवों को एक चादर में लपेटकर पुलिस ने एम्बुलेंस में रखवाया। माता पिता के शव भी 80% तक जल गए। घटना में पूरा का पूरा परिवार ही जिंदा जल गया।